आपने लॉगिन किया है thefirstnews.in। कोरोना महामारी के बीच अजय देवगन ने हाल ही में लग्जरियस प्रॉपर्टी खरीदी है। अजय देवगन ने मुंबई के जुहू बीच इलाके में करोड़ों का घर खरीदा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह डील पिछले साल नवंबर दिसंबर के बीच हुई थी। अजय देवगन की यह प्रॉपर्टी कापोल को ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में स्थित है। पहले इस बंगले का मालिकाना हक भावेश बालकृष्ण वालिया नाम के एक व्यक्ति के पास था, जो अब अजय देवगन की माँ वीना वीरेंद्र देवगन और विशाल वीरू देवगन यानी देवगन दोनों के नाम पर ट्रांसफर हो गया है। अब अजय देवगन के इस बंगले को लेकर बड़ी खबर सामने आई है, जिसके मुताबिक अजय देवगन ने इस बंगले के लिए करोड़ों का लोन लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक एक्टर ने इस बंगले के लिए 18.75 करोड़ का लोन लिया है। बंगले की कीमत 47 करोड़ के आसपास है, जिसके लिए अजय देवगन ने 2.73 करोड़ रुपए की स्टाम्प ड्यूटी चुकाई है। अजय देवगन का यह आलीशान बंगला 474.4 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। उन्होंने बंगला 29 दिसंबर 2020 में खरीदा था, जबकि लोन 27 अप्रैल 2021 को लिया। अजय देवगन का यह नया बंगला उनके घर शिव शक्ति के नजदीक ही है, जिसमें फिलहाल वह और उनका परिवार रह रहे हैं। अजय देवगन के नए बंगले को लेकर पहले खबर आई थी कि उन्होंने 60 करोड़ रुपए चुकाए हैं। पिछले साल ही अजय देवगन और काजोल को लेकर चर्चा थी कि दोनों अपने लिए नए आशियाने की तलाश में जुटे हैं। अब जब एक्टर ने अपने लिए नया घर तलाश किया है तो वह चर्चा में छाया हुआ है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया और क्रिकेट से जुड़ी बाकी खबरों के लिए देखते रहिए thefirstnews.in।